कैलकुलेशन, ब्रिज एक नामची में बहुत पुराना अखबार होता है, जिसको कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ब्रिज अपने आप में एक ब्रांड है, और सर इसकी रिलॉन्चिंग के लेके मुंबई ब्यूरो के लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? नवरात्रि के मौके पर ग्रैंड ओपनिंग माना जा रहा है। देखिए ब्लिट्स जो देश में आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है, उसमें विकास की पत्रकारिता को लेके एक ये नया अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि पत्रकारिता के ऊपर बहुत तरीके के सवालात और तरह तरह के प्रश्न खड़े किए गए हैं, और इस प्रोफेशन की गरिमा लगातार गिरती जा रही थी। उसी में देश के सारे वरिष्ठ संपादकों ने, पत्रकारों ने, विचारकों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, पॉलिटिशियंस ने मिलके एक राय से एक सारे लोगों ने तय किया कि हम लोग इस बैनर के नीचे विकास की पत्रकारिता का एक नया शुभारंभ करेंगे। और जो 21वीं सदी में देश जा रहा है, उस देश में चाहे विकास सामान्य व्यक्ति का हो या विकास व्यवसाय का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, उन सबको शामिल करके हम लोग एक नया मापदंड खड़ा करना चाहते हैं, बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। जैसा कि हमेशा बार बार हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये चीज कहा कि पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है और विकास के नाम पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसा प्रयोग शुरू हुआ है आजादी के अमृत काल में, जिसका सबसे ज्यादा महत्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो हम लोग इसको उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं कि पत्रकार अभी भी जिंदा है, पत्रकारिता अभी भी जिंदा है, और असली उसका जो है तत्व और सार क्या है, वो देश के 130 करोड़ नागरिकों के पास तक पहुंचे। सर ब्रिट इंडिया की बात करें तो ये अभी कौन कौन से एडिशन इसके लॉन्च हुए हैं, और मुंबई ब्यूरो की जो ओपनिंग है उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी प्रारंभ में अंग्रेजी और हिंदी का ये साप्ताहिक अखबार निकला है, इसके बाद हम इसको देश के सभी राज्यों तक इसको पहुंचाने का काम चल रहा है, और फिर उसके बाद के चरण में हम रीजनल लेवल पर सभी राज्यों की जो उनकी स्थानीय भाषा है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, उसमें इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर मुंबई और बिहार की जो जिम्मेदारी संभालेंगे प्रफुल्ल सिंह जी, सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए फूल सिंह जी केवल बंबई या बिहार को ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया है कि इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए वो इसके एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें, और उन्होंने राष्ट्रहित में बगैर कुछ आर्थिक किसी कंसिडरेशन के हमारे प्रस्ताव को, संस्थान के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। हम उनके आभारी हैं और हम उनसे सतत सहयोग के आकांक्षी हैं कि इस अखबार को पूरे देश में हर क्षेत्र में जहां जहां भी उनका अभी तक उनका प्रभाव रहा है इसको ले जाएं। और फूल सिंह जी का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि प्रश्न है कि फूल सिंह ही क्यों, क्योंकि फूल सिंह की यात्रा पत्रकारिता से ही शुरू हुई। जिस समय केबल टीवी चल रहा था उस समय इन्होंने बिहार से वो यात्रा शुरू की थी, उस समय से मैं परिचित हूँ। दूसरा फूल सिंह जी ब्लिट्स की पत्रकारिता को उस समय से समझते आए हैं, इसीलिए मैंने उनसे आग्रह किया है, उन्होंने आग्रह स्वीकार किया है, ये हमारे सबके लिए बहुत एक शुभ संकेत है। अच्छा आज के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो कहीं न कहीं जो है पीछे आ रहा है, पत्रकारों का तमाम जगह शोषण होता है, तो ब्रिज इंडिया जो पत्रकारों का शोषण होता है, खबरों की दुनिया में टॉर्चर किए जाते हैं, तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट द्वारा, तो उनकी लड़ाई के लिए भी ब्रिज इंडिया आ जाएगा। देखिए ब्रिज इंडिया ये किसी के समर्थन और विरोध का मंच नहीं है, जैसे कि बहुत लोगों की धारणा है कि ये सरकार के विरोध की, सरकार के समर्थन का कोई मंच नहीं है। ये एक ऐसी विचारधारा है कि राष्ट्रवाद के जो राष्ट्रीय विकास से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनके ऊपर देश के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मापदंड स्थापित करना कि पत्रकारिता के बहुत स्वरूप हो सकते हैं जी। पत्रकार को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पत्रकारिता को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ब्लिट्स इंडिया एक ऐसा समाचार पत्र साप्ताहिक है जिसके माध्यम से पत्रकारिता की इमेज अच्छी हो, पत्रकार की इमेज अच्छी हो, राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और सम्मान बढ़े,
और आम आदमी से जुड़े हुए समाचार सरकार के सामने, समाज के सामने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने लाए जा सके। थैंक यू सर, विशाल नमस्कार। सर, नवरात्रि के मौके पर ग्रैंड ओपनिंग ब्रिज इंडिया के सर आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, पत्रकारिता से लेकर एक्टिंग तक सर आप एक ब्रांड है और एक नया अचीवमेंट सर ब्रिज इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, सर क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव, जय माता दी। मैं ब्रिज इंडिया के चेयरमैन दीपक भाई का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप सभी तमाम पत्रकार मुझे सालों से जानते हैं और आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि मैं हमेशा लीक से हट के काम करता हूँ। और जहां तक पत्रकारिता की बात है तो इसकी अपने जीवन की शुरुआत भी मैंने इसी से की थी और देखिए उम्र के इस बसंत में आके फिर से मुझे अगर ये जिम्मेदारी मिली है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमको दीपक जी ने। और मुझे उम्मीद है कि ब्लिट्स को मैंने इसको एक क्रांति के रूप में, चूंकि पत्रकारिता का मतलब, पेपर का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब लोग समझता है कि ये आया है तो आज इसकी शिकायत करेगा, उसकी बड़ाई करेगा, उससे डील करेगा, उससे ये करेगा, लेकिन ये पहला ऐसा ब्लिट्स पत्रिका होगा जो पूरे देश में लोगों को बताएगा कि हम अब जो पहले जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए, अब हमको अगर लड़ाई लड़नी है तो विकासवाद की लड़नी है। डेवलपमेंट कैसे हो, और डेवलपमेंट कहीं हो रहा है तो उसकी आवाज, उसकी बात 130 करोड़ लोगों के पास जानी चाहिए कि देखिए यहाँ इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। तो मैं दीपक जी को बधाई देता हूँ, आप तमाम पत्रकार को भी बधाई देता हूँ कि इसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया है और जीवन तो चैलेंज के ही रूप में है। पत्रकारों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग लिखता है कि आंधियां गम की चलेगी तो समर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, अरे मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। यह है पत्रकारिता। और फिर से मैं बधाई देता हूं आप तमाम लोगों को और दीपक जी और ब्लिट्स के, खासकर हमारे साथ अनिल बोरा साहब, उम्र उनका नहीं बताऊंगा आपको लेकिन उनको कभी अपने बाप के रूप में देखता हूं, कभी अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूं और उनके नेतृत्व में काम करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता हूं। मैं अगर किसी को कहूं जो करंजिया जी को मैंने सपने में देखा है तो लोग क्या कहेंगे, मजाक कर रहा है, बट दिस इज ट्रूथ। उस आदमी ने पत्रकारिता में जो एक बड़ी लकीर खींची है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आज देखिए ना, 110 साल के बाद, 110 साल पहले करंजिया जी इसी 15 सितंबर को इस धरती पे आए थे, 110 साल के बाद भी अगर उनकी चर्चा हो रही है तो यही तो पत्रकारिता का नाम होना चाहिए, यही तो क्रांति, इसी को तो क्रांति कहते हैं। तो एक जो मुझे मौका मिला है, और रितेश जी आप इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए सारे पत्रकार बंधु, आपने देखा है कि जरूरत पड़ी है तो मैं किसी पार्टी से, मैं पदाधिकारी भी हूं लेकिन जब जरूरत पड़ी है सच के लिए तो मैं अपने पदाधिकारियों से भी वन टू वन किया हूं, जाके लड़ा हूं। क्योंकि मोदी जी कहते हैं, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। उसी तरह से जिस तरह से अगर ब्लिट्स ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अब ये मेरी जवाबदारी है कि मैं इस पेपर को, इस अखबार को एक क्रांति के रूप में, चाहे वो तमिल भाषा में हो, चाहे तेलुगु भाषा में हो, चाहे मलयालम में हो, चाहे गुजराती भाषा में हो, किसी भाषा में हो, हर भाषा में वहां जाके वहां के लोगों के लिए एक अवेयरनेस का काम करूं, विकासवाद की बात करूं। फूल सिंह जी, आपके साथ बातचीत, अनिल बोरा सर, ब्रिज इंडिया की मुंबई में लॉन्चिंग हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का काम है कि दीपक जी जो चेयरमैन एडिटोरियल बोर्ड के हैं और एडिटोरियल के एडिटर इन चीफ भी हैं, उन्होंने ये मुझे बंबई की जिम्मेवारी दी है। और सर ब्रिज इंडिया की बात करें तो ब्रिज इंडिया सर बहुत पुराना अखबार है, ये वो जिस तरीके से तेजी से विस्तार कर रहा है उसके लिए सर आमजन तक पहुंचे, उसके लिए सर क्या प्लानिंग? सर अभी तो 15 तारीख को यहाँ लॉन्च हुआ है हिंदी, इंग्लिश भी हमने यहाँ पे शुरू किया है और अभी इसको मुश्किल से 8-10 दिन हुए हैं। 15 तारीख को हमारी लॉन्चिंग थी, करंजिया साहब का 110वां बर्थडे था उस दिन,
तो उस दिन हमने लॉन्च किया है। हमने अपना एजेंट अपॉइंट किया है दांगत न्यूज़पेपर एजेंसी, जो मोस्टली बहुत बड़ा एजेंट है, तो उसको हमने एजेंसी दी है और कॉपी दी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर। सर आपने एक पुराने दौर की पत्रकारिता देखा है, आज की दौर की पत्रकारिता में ब्लिट्स इंडिया को आप किस रूप में देखते हैं? सर बड़ा फर्क आ गया है। जो ब्लिट्स पहले निकलता था वो करंजिया साहब एंटी गवर्नमेंट भी थे, प्रो गवर्नमेंट भी थे। अगर उन देखा जाए तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के होते थे उनका पहला इंटरव्यू हमेशा वो लिया करते और छापा करते थे। आज जो है ऐसा नहीं है। और पहले था न्यूज आपको हफ्ते बाद भी मिलती थी, चार दिन सोर्सेज क्या थे आपके, पीटीआई थी, यूएनआई थी, रिव्यूटर था, बहुत कम अखबार थे जिनकी अपनी न्यूज एजेंसीज थी। उसमें से एक इंडियन एक्सप्रेस था जिसकी न्यूज एजेंसीज थी, कई बड़े सिटीज में लखनऊ हुआ, कलकत्ता हुआ, बॉम्बई हुआ, क्योंकि उनके 6 एडिशन निकला करते थे तब हिंदुस्तान में, किसी अखबार के 6 एडिशन नहीं निकलते थे। तो उस वक्त जो थी न्यूज आपके पास लेट पहुंचती थी, टेलीप्रिंटर्स में आती थी, अब तो इंस्टेंट है, हुआ कुछ उसी वक्त आपको तस्वीर भी मिल जाएगी और न्यूज भी मिल जाएगी। सर ब्रिटिश इंडिया जिस तरीके से 15 सितंबर को एनसीपीए सभागार में लॉन्चिंग हुई, तमाम आर्थिक और राजनीतिक फिल्म जगत के लोग आए। हाँ जी, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, जिस तरीके से बिग लॉन्चिंग हुई है, उस अचीवमेंट के लिए सर क्या कहना है? इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस और लगता है डेट विल पे अस ऑल्सो, हमारा अखबार में बिकेगा, अच्छा बिकेगा और इट विल प्रॉस्पर ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर, विश यू थैंक यू।